सपा से बड़ी खबर, प्रथला विधानसभा सीट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एएसपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। गिरिराज जाटोला ने का रघुवीर तेवतिया को समर्थन, जाटोला के समर्थन से मजबूती मिलेगी तेवतिया की तरफ से कहा गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में समर्थन करने का ऐलान किया है। जेजेपी एएसपी के गठबंधन के उम्मीदवार थे गिरिराज जाटोला, जिन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है, रघुवीर तेवतिया को समर्थन दिया है और कहा यहां पर तेवतिया ने कि जाटोला के समर्थन से उनको मजबूती मिलेगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में समर्थन का ऐलान किया। चुनाव पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रहा है, ज्यादा दिन अब बचे नहीं, चार दिन का वक्त और लगाइए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। उससे पहले बहुत कुछ उठापटक हरियाणा की चुनावी राजनीति में देखने को मिल रही है। गांव से मदद मांगी है पूरे गांव बस्ती से, क्योंकि ये पिथले का बड़ा गांव माना जाता है जटोला, और पिथले में मेरे सगे मामा हैं, तो मैंने तो अपने मामा नानाओं से पूरी बस्ती से मदद मांगी है, और पूरी बस्ती ने, सरपंच साहब ने बस्ती के ऊपर छोड़ दिया, पूरी गांव वालों ने, गांव की सरदारों ने मुझे समर्थन दिया गांव का, और गांव के साथ वो हैं, उन्होंने मुझे समर्थन दिया। कहीं से उन्हें पता लग गया कि मैं हाथ हूँ, और गांव में मेरी पंचायत चल रही थी, तो पता लगने के बाद वो पंचायत में आ गए। जैसे गांव समाज ने जो भी फैसला लिया मेरे गांव ने, उस फैसले से मैं भी अलग नहीं जा सकता। मेरे गांव के लोगों ने कहा रघुवीर तेवतिया को आप समर्थन करो, तो मेरे गांव की पंचायत रघुवीर तेवतिया को समर्थन किया। पार्टी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पार्टी के कुछ कार्यकर्ता काफ़ी सारे जिन्होंने पार्टी को खराब करने का काम किया और मेरे बिल्कुल चुनाव में साथ नहीं दिया। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनिल, चुनाव प्रचार के दौरान, जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, 5 तारीख को वोटिंग होनी, उससे पहले जेजेपी एसपी को तगड़ा झटका लगा है, सीधे सीधे समर्थन कर दिया कांग्रेस के उम्मीदवार का। बिल्कुल सुदेश, देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी माहौल में गर्मी पैदा होना जो है वो लाजमी है। इसी कड़ी में देखिए पिथला विधानसभा से जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई है कि जो आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार थे गिरिराज जाटोला, पहले तो सुबह उन्होंने जो है वो ग्राम में पंचायत करके और जो अपने सहयोगी हैं, अपने साथी हैं, उनके साथ पंचायत करके ये फैसला लिया कि जो है अब मैंने चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन इसके पश्चात जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, आगे नहीं संघर्ष करना, क्योंकि पार्टी से वो खफा नहीं है, लेकिन पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से जो है वो खफा दिखे, उनसे ना सहयोग की जो है वो बात कही उन्होंने कि पूरे तरीके से जो समर्थन कह सकते हैं, जो कार्यकर्ताओं की तरफ से समर्थन मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा, और उसके बावजूद उन्होंने जो है वो निराश होकर के फैसला लिया। लेकिन जैसे ही ग्रामीण लोगों ने तिरस्कृत पंचायत करी है इस पूरे मामले को लेकर के और उनके जो सगे संबंधी। जी शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा सीट से जुड़ी है बड़ी खबर, जेजेपी एएसपी के संयुक्त उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया है। जाटोला के समर्थन से अब तेवतिया ने कहा कि बहुत मजबूती मिलेगी, पूर्व से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया।